चेमस ने दिया अपने मित्र ड्रू मैकइंटायर को भोगा और जाने की क्या कुछ हुआ। आज मंडे नाइट रॉक के अंदर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स ब्लू एज। जी वाइज आज की वीडियो काफी मजेदार रहने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की और इसके टॉप 3 पॉइंट्स दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, जो कि एक नई थिंग रहेगी। शुरुआत की बात करूं तो वाइज आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत हुई थी ड्रू मैकइंटायर के एंट्री के द्वारा। वहां दोस्तों उन्होंने एक शॉर्ट सा प्रोमो काटा, इस प्रोमो के अंदर उन्होंने शाउट आउट दिया बिल गोल्डबर्ग को। आगे वो कहते हैं कि रोड टू रेसलमेनिया हो चुका है स्टार्ट की थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है रेटेड आर सुपरस्टार का। वहां दोस्तों एज आए जहां दोनों के मध्य एक हल्का सा फेस ऑफ हुआ। इसके अंदर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर एज के कहने से पहले ही ये चीज कहते हैं कि मैं आपकी काफी ज्यादा इज्जत करता हूं, आप मेरे मेंटोर के जैसे हो और जब आप रिटायर हुए थे तो मैं बैकस्टेज ही था, आप लौटे हो तब भी मैं WWE के अंदर ही हूं, मैं आपका काफी बड़ा फैन हूं। यहां दोस्तों एज ने कहा कि धन्यवाद ठीक है, पर क्या तू भूल चुका है कि रॉयल रंबल जीतने वाला टाइटल के लिए जा सकता है और तेरे टाइटल के लिए भी मैं जा सकता हूं। यहां दोस्तों ड्रू मैकइंटायर जो है कुछ आगे कह पाते कि शेमस की एंट्री हो जाती है। शेमस आते हैं, चीज कहते हैं कि एज तू बौखला चुका है, तू पागल हो चुका है, जब तू बिस्तर के ऊपर था तो मेरे मित्र ने ही कंधे पर कंपनी को उठा रखा था। यहाँ दोस्तों ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मित्र चुप हो जा, मुझे बात करने दे। आगे दोस्तों सवाल पूछते हैं एज से कि तू करना क्या चाहता है, तू किसे चूज करना चाहता है। एज कहते हैं कि वो किसे भी चूज करे वो रेसलमेनिया के अंदर चैंपियन बनकर ही रहेंगे, जिसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। और फिर जो होता है वो काफी शॉकिंग था। हुआ क्या कि गाइस जैसे ड्रू मैकइंटायर ने पीछे देखा उन्हें लगी है ब्रो किक आउट ऑफ नोवेयर। वहां दोस्तों शेमस ने हील टर्न कर दिया अपने मित्र के ऊपर, अपने मित्र को दोस्तों उन्होंने वहां धोखा दे दिया। तो रॉ की शुरुआत काफी बढ़िया हुई थी, बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था बैकस्टेज शेमस का इंटरव्यू। तो बैकस्टेज दोस्तों उन्हें पकड़ लिया गया, जब उनसे सवाल पूछा गया ऐसा आपने क्यों किया, तो वहां दोस्तों चार्ली को जवाब देते हुए शेमस ये चीज बोले कि देखो ड्रू के बहुत सारे दोस्त है, उसे कोई भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए टाइटल और मैंने उसकी नींव डाल दी है। बात की जाए इसके बाद हुआ गया। तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था रीडल वर्सेस बॉबी लैशली US चैंपियनशिप का मैच। मैच दोस्तों ढंग से नहीं खत्म हुआ है। वहां दोस्तों एंगल देखने को मिलता है कि लैशली दोस्तों हर्ट लॉक में फंसाए हुए रीडल को रोप्स के ऊपर और छोड़ते ही नहीं है। रेफरी दोस्तों परेशान होकर वहां कैंटी बजा देता है, डिस्क्वालिफिकेशन में मैच हो जाता है खत्म। तो इस तरीके से दोस्तों उन्होंने टाइटल रिटेन किया, जिसके बाद दोस्तों में एंगल भी देखने को मिला है कि गाइस रीडल को उन्होंने बाहर बैरिकेड से फेंक दिया है और वहां दोस्तों रीडल पड़े हुए हैं। तो रीडल का दोस्तों आज काफी बड़ा आप कह सकते हैं कि कुटापा हो गया है। बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था रैंडी ऑर्टन का बैकस्टेज प्रोमो। बैकस्टेज दोस्तों रैंडी ऑर्टन ने प्रोमो काटा, ये चीज कही कि एज ने मुझे झूठा साबित कर दिया, मैंने उसे पंट किक मारी, उसकी पाइप को मैंने आर के मारा ताकि वो सिक्योर रहे, उसे ज्यादा इंजरी ना आए, लेकिन हर बारी वो आकर खुद को यानी कि मुझको झूठा साबित कर देता है और आज मैं मेक श्योर करूंगा कि वो रेसलमेनिया तक ना पहुंचे। काफ़ी सॉलिड प्रोमो था। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों जेवियर वुड्स वर्सेस मुस्तफ़ा अली का मैच। तो इस मैच की बात करूं, मैच काफ़ी बढ़िया जा रहा था। इसका दोस्तों अंत किस तरीके से आया कि गाइस हमें देखने को मिला कि बाहर कोफी किंगस्टन और टी बार एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, अंदर दोस्तों जो अली है उनका ध्यान भटकता है और उन्हें एक यूनिक सा रोल अप लगा कर जेवियर वुड्स इसमें विजय रहते हैं। तो जेवियर वुड्स ने दोस्तों आंकड़ा दो दो का कर दिया है, बात की जाए इसके बाद हुआ क्या है। तो भाई इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों बैड बनी की एंट्री मिज एंड मॉर्सन के शो में। तो बैड बनी दोस्तों रैपर जो कि रॉयल रंबल के अंदर दिखाई दिए थे, यहाँ दोस्तों मिज एंड मॉर्सन के शो के अंदर आए हैं। वहाँ दोस्तों उन्होंने क्या मस्ती की है, वहाँ दोस्तों उन्होंने मस्ती की कि उनकी सबसे पहले तो तारीफ की मिज एंड मॉर्सन ने, फिर उनकी बेइज्जती की। बैड बनी ने कहा कि वो इसलिए आए हैं ताकि वो अपने नए मित्र से सभी को मिलवा सके, जो कि दोस्तों कोई और नहीं हमारे डेमियन प्रिस्ट निकलते हैं। डेमियन प्रिस्ट ने दोस्तों वहां डेब्यू किया आते ही सार मिस को मारा, जिसके बाद द मिस के खिलाफ उनका मैच हुआ है। इस मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों दोनों ही कंटेस्टेंट काफी बढ़िया लड़ रहे थे। रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आता है कि मिस दोस्तों वहां चलाकी करना चाहते थे, ब्रीफ केस मारना चाहते थे, बैड बनी ने छीन लिया और जब मॉरिसन आए तो बैड बनी ने उनकी भी ठुकाई कर दी और अंदर दोस्तों डेमियन प्रिस्ट ने द मिस को लगा दिया फिनिशर यानी कि रैकनिंग और कर दी उनकी पिन। यहां दोस्तों काफी बढ़िया डेब्यू हुआ है डेमियन प्रिस्ट का, बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला है। तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों लूचा हाउस पार्टी वर्सेस हर्ट बिजनेस फॉर टैग टीम चैंपियनशिप। ये मैच दोस्तों काफी अच्छा था, लेकिन इसके अंदर दोस्तों हर्ट बिजनेस वालों ने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया लूचा हाउस पार्टी को और यहाँ दोस्तों हर्ट बिजनेस के लौंडे रिटेन कर गए।
बात की जाए इसके बाद क्या कुछ देखने को मिला था। इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों महिलाओं का ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच। यहाँ एक तरफ टीम थी शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का की, उनके खिलाफ थी दोस्तों एक नई टीम यानी कि नायोमी एंड लाना की, और वहीं उनके खिलाफ थी दोस्तों तीसरी टीम यानी कि मैंडी एंड हमारी अपनी डेना की। रिजल्ट किस तरीके से आया कि गाइज वहाँ शार्लेट फ्लेयर इनके अंदर थी और उन्हें थीम सॉन्ग सुनाई देता है लेसी वंस का। वहाँ रिक फ्लेयर आ जाते हैं अपनी माशुका यानी कि लेसी के साथ, शार्लेट को आ जाता है गुस्सा, बाहर निकल जाती है अंदर दोस्तों बेचारी आस्का अकेली। नायोमी का फिनिशर, आस्का की होगी पिन। नायोमी एंड जो लाना है वो दोस्तों बन चुके हैं ब्रांड न्यू नंबर वन कंटेंडर फॉर वुमेन टैग टीम टाइटल्स। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या कुछ हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो तो दोस्तों ड्रू मैकइंटायर का एक प्रोमो जो कि उन्होंने बैक स्टेज काटा। ये चीज़ कही कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि जो शेमस है वो ऐसे कर सकता है, 20 साल की दोस्ती थी इतनी आसानी से तोड़ दी, लेकिन इसका बदलाव ज़रूर लेकर रहेंगे। शेमस को चाहिए टाइटल अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है। हाँ दोस्तों उन्होंने शेमस को मौका दे दिया है, बात की जाए इसके बाद हुआ गया है। तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था अलायस का मैच। अलायस एंड जैक्सन राइकर ने दोस्तों आज फेस किया है हमारे अपने कार्लिटो और जेफ हार्डी को। कार्लिटो दोस्तों अब रॉ का पार्ट हो चुके हैं, वो दोस्तों एक एक्टिव सुपरस्टार है। इस मैच की बात करूँ जेफ हार्डी एंड कार्लिटो की इसमें जीत हुई है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या देखने को मिला, तो इसके बाद जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों एज का प्रोमो। एज ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर प्रोमो काटते हुए चीज़ बताई है कि रैंडी ऑर्टन ही लायर है और आज वो उन्हें सबक सिखा कर ही रहेंगे। बात की जाए दोस्तों इसके बाद हुआ गया, तो इसके बाद हमें देखने को मिला है सेमी मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि था दोस्तों हमारी एलेक्सा ब्लिस का जो कि निकी को फेस की। इसके अंदर कई बार दोस्तों उन्होंने अपने स्वरूप चेंज किया है और फाइनल दोस्तों एलेक्सा की इसमें जीत हुई है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी वो था दोस्तों रैंडी ऑर्टन और एज का मैच। मैच दोस्तों काफ़ी बढ़िया जा रहा था, रैंडी ऑर्टन ने काफ़ी अच्छी पकड़ बना ली थी, लेकिन दोस्तों जैसे ही अंत आया हमें एक चीज़ देखने को मिली कि फिर से एलेक्सा दिखाई देती है कॉर्नर के ऊपर, जहां दोस्तों उनके मुंह से खून बह रहा था, खून था या फिर कुछ और पता नहीं। वहां दोस्तों बेचारे रैंडी ऑर्टन का ध्यान भटक गया, पीछे से लगा है स्पीयर। रेटेड आर सुपरस्टार यहां रॉ वापसी में जीत अर्जित कर गए और रॉ चले गई ऑफ एयर। अब बात की जाए दोस्तों टॉप थ्री पॉइंट्स की, तो सबसे पहला पॉइंट की एज ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो किस टाइटल के पीछे जाने वाले हैं। यहाँ दोस्तों उन्होंने टीज़र तो गिराया है, लेकिन इससे साफ नहीं होता है कि क्या वो ड्रू मैकइंटायर को ही चूज़ करेंगे या फिर रोमन रेंस को। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो गाइज वो है हमारे कार्लिटो का। तो कार्लिटो दोस्तों अब फिर से आ चुके हैं गेम के अंदर, और मेरे हिसाब से आगे जाकर अगर वो US चैंपियनशिप के लिए जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। नंबर तीन के पॉइंट की बात करूँ तो गाइज शेमस और ड्रू मैकइंटायर के मैच को टीज किया जा रहा है। अगर दोस्तों WWE चाहे तो इस राइवलरी को रेसलमेनिया के बीच में जो समय रहता है उसके अंदर भुना सकती है। तो गाइज आज की वीडियो इतनी थी, तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वेल थैंक्स टू आवर मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।